फटाफट से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जो कि हमको भेजा है स्काई बॉय शॉप से। निम्बो का ब्रेक किट सिस्टम मास्टर सिलेंडर यार, इसको लगाने के बाद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है वो ये कि इसको फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखो गाइस, ये देखो बुलबुला उठ रहा है, देखने में तो एकदम A1 क्वालिटी लग रहा है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देख सकते हो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं ड्यूक 390 जो कि है मेरा दोस्त का बाइक, और आज इस बाइक में लगने वाला है मतलब ब्रेम्बो का ब्रेक किट सिस्टम। तो ये रहा ब्रेम्बो का ब्रेक किट, देख सकते हो जो कि हमने बाइक किया है स्काई बॉय शॉप से। अगर आपको भी स्काई बॉय शॉप से बाइक का कुछ भी एक्सरसाइज बाइक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा स्काई बॉय शॉप का, और स्काई बॉय शॉप से आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज बाइक कर सकते हो। तो गाइस ये रहा ब्रेक किट का सिस्टम, देख सकते हो इधर लिखा हुआ है ब्रेम्बो ब्रेक कंपोनेंट, और पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, देख सकते हो ब्रेम्बो रेसिंग लिखा हुआ है। फटाफट से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जो कि हमको भेजा है स्काई बॉय शॉप से। तो ये रहा ब्रेक किट का सिस्टम गाइस, देख सकते हो। हाँ, ये रहा क्लच लीवर, और इस लीवर को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली, देख सकते हो। मैं आपको सारा सिस्टम समझाऊंगा कैसे कैसे लगाते हैं और कैसे मतलब सेट करते हैं। है इसका पाइप है तो ब्रेक ऑयल का, और इधर है दोस्तों इसका जो मतलब मास्टर सिलेंडर, ये देख सकते हो ब्रेक का, देख सकते हो। तो चलो फटाफट से मतलब इसको लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और इसको लगाने के लिए एकदम इन सब को खोलना पड़ेगा। तो चलो गाइस फटाफट मिरर को खोल लेते हैं हम लोग। तो चलो गाइस क्लच लीवर को लगाने के लिए फटाफट हम लोग इसका जो मतलब ये वाला पोस्चर यहाँ पर जो है ये सबको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो बोल्ट नट बोल्ट दिया गया है इसको खोल लेंगे, उसके बाद इन सबको निकालने के बाद ही क्लच लीवर लगेगा। तो गाइस इसको खोल लेंगे, देखो उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा गाइस। तो गाइस बहुत मुशक्कत करने के बाद इसको हमने खोल लिया है, उसके बाद इस वाले पोस्टर को खोलेंगे। तो गाइस फाइनली देख सकते हो ये वाला पोस्टर भी निकल गया है, और इसके बाद ये देखो क्लच उसका मतलब इस साइड का रह गया है। तो चलो फटाफट से हम लोग क्लच को लगा देते हैं, और ये रहा क्लच का असेंबली गाइस, देख सकते हो ब्रेम्बो कंपनी की तरफ से आने वाला। तो चलो फटाफट से इसको लगाते हैं। तो गाइस देख सकते हो क्लच लीवर जो है उसे सेट करना हो गया कंप्लीट। अभी फिलहाल इसका जो मतलब ये वाला पोस्टर है इसको लगाएंगे। तो गाइस देखो ये सब लगाना कंप्लीट हो गया, अभी इसको लगाते हैं। देख सकते हो इसको भी लगा दिए हैं। तो गाइस बहुत टाइम के बाद क्लच एकदम अच्छे से लगा दिए हैं, हमने टेस्ट भी कर लिए हैं, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है सेटअप, और मतलब देखने में तो एकदम A1 क्वालिटी लग रहा है गाइस। देख सकते हो ये जो गोल्डन पार्ट है वो भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो मतलब ब्रेम्बो का डिज़ाइन है वो भी अच्छा लग रहा है, और हमने एडजस्ट भी एकदम कर लिए हैं अच्छे से, और इससे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो इसका जो मतलब लेंथ है वो। तो चलो अभी इस वाले पोस्चर का काम शुरू करते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर जो जितने सारे सिस्टम है सबको खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको सीधा दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो ब्रेक कैलिपर तो लग गया है, अभी फिलहाल इस पाइप को लगाएंगे, और देख सकते हो जो ऑयल जार है उस ऑयल जार को भी लगा दिए हैं। अभी देखो पाइप को लगाते हैं। तो गाइस पाइप को काट कर थोड़ा छोटा कर लिया है हमने, और अभी यहाँ पर अच्छे से क्लिप को लगा देंगे, और अभी इस ब्रेक लाइन को खोलेंगे, देख सकते हो इसको। तो गाइस देख सकते हो ब्रेक कैलिपर लगाना हो गया कंप्लीट, और ऑयल जार भी हमने लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो इसका जो होस पाइप है और इस पाइप को भी हमने एकदम अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। पाइप को थोड़ा काटना पड़ा, फिर ऑयल फिल करेंगे, और उसके बाद ब्रेक को मतलब थोड़ा बहुत यार जो है इसके अंदर रहेगा उस यार को निकाल देंगे, ब्रेक कंटिन्यू हो जाएगा गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये रहा ब्रेक ऑयल, बॉस कंपनी का ब्रेक ऑयल है, अभी इस पर डालेंगे और इसके बाद ब्रेक को अप्लाई करेंगे। गाइस ब्रेक ऑयल डालते टाइम आप जरूर कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि अगर ब्रेक ऑयल गाड़ी की पेंट पे पड़ जाए तो पेंट एकदम मतलब डैमेज हो जाएगा। उसको देख सकते हो हमने ऑयल फिलअप कर दिया है, और अभी मतलब ऑयल को इसको प्रेस करेंगे कुछ बार, और प्रेस करने के बाद ब्रेक लाइन में ऑयल चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ से यार निकालेंगे। चलो ये देखो गाइस, ये देखो बुलबुला उठ रहा है। तो गाइस देख सकते हो अभी यार को निकालेंगे। तो गाइस चलो ब्रेक ऑयल को फ्यूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ब्रेक ऑयल पाइपलाइन में चला गया। चलो गाइस इसके ढक्कन को लगा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो अच्छे से टाइट कर दिए हैं इसको, और अभी ब्रेक भी एकदम ओके हो गया है। अभी ब्रेक लीवर को प्रेस करके देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलो गाइस टेस्ट करते हैं ब्रेक को।
देख सकते हो ये जो मतलब ब्रेक का दो वायर है, इस दो वायर को भी हमने लगा दिया है, अभी अच्छे से टेपिंग कर देंगे। ये देखो गाइस ब्रेक जब मर रहा है अच्छे से लाइट जल रहा है। ये लौंडा बोल रहा है मेरा मुंह दिखाओ, इसका ही गाड़ी है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है अमित भाई। अमित भाई काम कैसे चल रहा है बोलो? एकदम सुपर हिट। तो चलो गाइस अभी ब्रेक को देखते हैं कि ब्रेक परफॉर्मेंस कैसा है। तो गाइस देखा आपने ब्रेकिंग बहुत ही इंप्रूव हो गया है। हम लोग ने रोड पर जाके टेस्ट करके आप लोगों को दिखाया और ये बाइक है मेरा, ये दोस्त का, ये अमित भाई मतलब ये बाइक का ओनर है। और ये इस बाइक में इसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बहुत दिन से बोल रहे थे कि मास्टर सिलेंडर लगा दो, इसका फाइनली ये ड्रीम कंप्लीट हुआ है। तो अमित भाई कैसा लग रहा है ये सब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। रैम्बो का ब्रेक किट मैंने स्काई बॉय शॉप से लिया है, पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर आपको भी स्काई बॉय शॉप से कुछ भी बाइक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।